जय माँ रामचंडी। कुलता जाति का विवाह परंपरा सबसे खास होता है, और खास करके विवाह में जो गलसका परंपरा होता है, ये गलसका क्या है ये सब जानने के लिए वीडियो का अंत तक जाएं। लड़का और लड़की का माँ और परिजन सर में कलश और हाथ में पान का पत्ता और कुछ रुपया लेकर गाल सेंकते हैं। इसमें लड़का और लड़की दोनों का गल सेंका जाता है, किंतु किस समय किसका गल सेंका जाता है ये सब जानिए। जब लड़का का बारात घर से निकलता है तो पहले लड़का की माँ गाल सेंकती है, उसके बाद गोद में बैठा कर माँ चुम्बन देती है और बोलती है, तो बेटा कहाँ जा रहा है? बेटा बोलता है, मैं तेरी बहू लेने जा रहा हूँ। इसके बाद लड़का का बारात निकलता है, लड़का गांव का देवी दर्शन करके गांव से कन्या के घर निकल जाता है। जब लड़का लड़की के गांव पहुंच जाता है तो उनका भव्य स्वागत होता है। लड़का बारात करते हुए लड़की का घर पहुंच जाता है, तब लड़की के घर के सामने लड़का को बैठा कर उसका गल सेंका जाता है। यहाँ लड़की की माँ और परिजन गल सेंकते हैं। लड़का विवाह करके उसका पत्नी के साथ जब ससुराल से आता है तो उन दोनों का पैर धोया जाता है। लड़की को तब भरी आँखों में विदाई दी जाती है। जब लड़का उसका नवविवाहित पत्नी को लेकर घर आता है तो घर में अपनी माँ गाल सेंकती है। यहाँ दोनों का गाल सेंका जाता है। लड़का की माँ बारात जाने से पहले और जब वरवधु आते हैं दोनों को गाल सेंकती है। लड़की की माँ वहीं गाल सेंकती है। कुलता विवाह में गालसा का एक अनोखा परंपरा है जो कुलता समाज में चलता है। बाकी समुदाय इसको देखकर अनुकरण करते हैं। कुलता विवाह में हस्तबंधन प्रक्रिया को छोड़कर बाकी चिरका, मैटपका, पिंधानी, नांगनी आदि सब कुछ कुलता परंपरा है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।